वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा, जिसे सभी लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। असुर को विनाश करके माँ दुर्गा अपने घर आती है। देश के अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। जहाँ गुजरात में नवरात्रि, वही बंगाल में दुर्गा पूजा। वही बंगाल की दुर्गा पूजा राजधानी कोलकाता में एक अलग ही लेवल पे होती है, उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस समय कोलकाता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। हर तरफ ही लोगों का भीड़, फूड स्टॉल, म्यूजिक, ढाके की आवाज, एक कलरफुल कल्चरल वाइब्स हर तरफ नजर आती है। दोस्तों, दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी शहर के बड़े बड़े पूजा कमेटी वाले बिग बजट एंड यूनिक थीम के साथ अपना अपना पूजा पंडाल को बनाया है। और जैसे आपको पता है, छोटे और बड़े मिलाकर 3000 से भी ज्यादा पूजा पंडाल बनता है कोलकाता में। लेकिन इनमें से कौन कौन सी पंडाल में आपको जरूर विजिट करना चाहिए, कौन कौन पंडाल इस बार बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ अपना पंडाल बनाया है, थीम के पंडाल के भीड़ में इस बार किसने किसको टक्कर दिया है, आइए आज के टॉप 10 के लिस्ट में बात करते हैं कोलकाता की टॉप बेस्ट पंडाल के बारे में, जिन्हें इस साल आपको मिस नहीं करना चाहिए। टॉप 10 के लिस्ट में नंबर 10 पर है संतोषपुर लेक पोल्ली। इस बार यहाँ की थीम है जापान चित्रों। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दूरदर्शन की चैनल लोगों, काफी सारे पुराने जमाने की टीवी एंड रेडियो, जो याद दिला रहा है हमारे बचपन को, जहाँ पे हम दूरदर्शन को इन टीवी पे देखते हुए भरे हुए हैं। बिल्कुल दूरदर्शन की यहाँ पे बनाया गया है। हर तरफ ही ओल्ड मॉडल की जो टीवी होती थी, उसी टीवी को यहाँ पे दर्शाया गया है थीम के माध्यम से। और ऊपर भी लिखा हुआ है, देखिए, दूरदर्शन। और ये है देवी की मूर्ति, जो माँ देवी की, दुर्गा की मूर्ति को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। लिस्ट में नंबर 9 पर है हिंदुस्तान क्लब। इस बार यहाँ की थीम है देश नौ मौमे देश। इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ आजादी को ध्यान में रखकर इस बार यहाँ के पंडाल को बनाया गया है। दोस्तों, ये है हिंदुस्तान क्लब और पंडाल के अंदर क्या क्या यूनिक थीम से इस पंडाल को बनाया गया है। फांसी की फंदे यहाँ पे थीम के आकार में बनाया गया है। 75 ईयर्स को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया के इंडिपेंडेंस को, उसी के आकार में थीम को बनाया गया है। एक बात तो सही है, बहुत ही अच्छी थीम के साथ इस बार बनाया है। थीम जो है बहुत ही अच्छी दिख रहा है यहाँ से। लिस्ट में नंबर 8 पर है नागतला उदयन शंगो। इस बार यहाँ की थीम है मोटा कापूर। साउथ कोलकाता की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पूजा है। बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट के लेकर इस बार इन लोगों ने अपना पंडाल को बनाया है, आइए देखते हैं। तो ये है नागतला उदयन शंगो की एंट्री गेट। तो इस बार इन लोगों की जो थीम है वो थीम है मोटा कापूर। इस बार थीम बनाया है 2022 में नागतला उदयन शंगो ने। और ये है माँ दुर्गा की मूर्ति इस बार की नागतला उदयन शंगो की। लिस्ट में नंबर 7 पर है चेतला अग्रणी क्लब। इस बार यहाँ की थीम है शोलो कोला पूर्णो। काठ एंड लकड़ी से पूरा पंडाल को यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों, ये है चेतला अग्रणी, साउथ कोलकाता का वन ऑफ द टॉप बेस्ट पूजा पंडाल। पूरा का पूरा पंडाल ऐसे लग रहा है कि वुडन से बनाया गया है। फिर भी चेतला अग्रणी जो अपने काम करता है, उस एक्सपेक्टेशन लेवल पे इस बार नहीं गया है। नंबर 6 पर है मुदियाली क्लब। कोविड सिचुएशन को पार करके न्यू नॉर्मल लाइफ के थीम के साथ माध्यम से इस बार यहाँ की पंडाल को बनाया गया है, आइए एक बार यहाँ के ऑफिशियल से जानते हैं यहाँ के थीम के बारे में। আলো যে দেওয়া হয়েছে, যে মানে আমরা কোভিড থেকে বেরিয়ে আবার পৃথিবীতে নতুন ভাবে আলোটা আচ্ছা করা, মানে কোভিড এর সিচুয়েশনটা কাটিয়ে আমরা যেভাবে নতুন ভাবে আমরা আবার নতুন পথে নতুন পথে। तो जैसे कि आपने सुना कि इस पंडाल को कोविड के सिचुएशन में ध्यान में रखकर बनाया गया है, कि कोविड सिचुएशन पार होने के बाद हम कैसे अपने नॉर्मल लाइफ पे रिटर्न आए हैं, उसी की थीम के आधार पर इसको बनाया गया है। और ये जो पूरा थीम है, ये मौसरी से बनाया गया है। मच्छर काटने वाली जो जाली होती है, हम सोने के टाइम लगाते हैं, उसी से इस थीम को कवर किया गया है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि कोविड पीरियड पार होने के बाद कैसे हम नॉर्मल लाइफ में रिटर्न आए हैं, उसी को थीम के आधार पर इसको बनाया गया है। और ये जो स्ट्रक्चर को बनाया गया है, ये है ऑक्सीजन के आधार पर इन्हें बनाया गया है। जो आप इसको देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन के आधार पर इन्हें बनाया गया है। और कोविड सिचुएशन पार होने के बाद हम अपने कैसे नॉर्मल लाइफ में रिटर्न आते हैं, उसी की थीम के आधार पर इस बार मुदियाली क्लब पे बनाया गया है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं।
लिस्ट में नंबर 5 पर है ताला प्रोत्तय। इस बार यहाँ की थीम है रीति द मोशन। बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार यहाँ के पंडाल को बनाया है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है ताला पार्क प्रोत्तय, कोलकाता की वन ऑफ द टॉप बेस्ट पंडाल। गोल गोल घूम रहा है ऐसा लग रहा है कि। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। म्यूजिक भी काफी बढ़िया है, मतलब ऐसा लग रहा है क्योंकि भूल भुलिया जगह पर हम चले आए यहाँ पे। वाह, बड़े एरिया को लेकर इस पंडाल को हमेशा ही बनाया जाता है। ऊपर की स्ट्रक्चर को देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ देखो दोस्तों, कितनी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति है, बड़ी सी मूर्ति है। यहाँ पे थीम के हिसाब से इस मूर्ति को बनाया गया है। जस्ट वन वर्ड में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये काफी बढ़िया है, काफी यूनिक थीम है इसका। लिस्ट में नंबर 4 पर है त्रिधारा सम्मेलनी। इस बार यहाँ के थीम है दो। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत के साथ इस बार यहाँ के पंडाल को बनाया गया है। तो दोस्तों ये है साउथ कोलकाता की वन ऑफ द फेमस पूजा पंडाल, त्रिधारा सम्मेलनी की पूजा। ये फ्रंट साइड है, आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है। हर साल यहाँ पे यूनिक तरीके से पंडाल को बनाया जाता है। वाओ, सारा देखिए किस तरीके से, कितनी यूनिक तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है। लिस्ट में नंबर 3 पर है संतोष मित्र स्क्वायर। इस बार यहाँ की थीम है दिल्ली के रेड फोर्ट। लाल किले की रेप्लिका को इस बार यहाँ पे बनाया गया है। इंडिया के 75 इयर्स ऑफ आजादी के महोत्सव को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी के अनुसार यहाँ की थीम को बनाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि जो लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो है यहाँ के लाइट एंड साउंड शो। देश के आजादी को सामने रखकर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव तरीके से 3D प्रोजेक्टर के साथ लाइट एंड शो यहाँ पे चल रहा है। आइए इस वीडियो में देखते हैं संतोष मित्र स्क्वायर की पूजा को। नंबर 2 पर है श्री भूमि। इस बार यहाँ के थीम है वेटिकन सिटी। शहर का सबसे फेमस दुर्गा पूजा में से एक है श्री भूमि, जहाँ पे लोगों का भीड़ हद से ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये है पेंडल की एंट्री, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यार एक बात तो सही है, बहुत ही अच्छी तरीके से इस पंडाल को बनाया गया है, मतलब पूरा ओरिजिनल लग रहा है कि हम वेटिकन सिटी के अंदर ही यहाँ पे अभी खड़े हैं। ये जो माँ दुर्गा की मूर्ति पे यहाँ पे जो माँ को गहनाएं पहनाई गई है, वो सारे गहनाएं सोने की, ओरिजिनल सोने की पहनाई गई है। हमेशा यहाँ पे माँ दुर्गा को जो भी गहनाएं पहनाई जाती है वो सारे सोने की होती है। इसमें नंबर 1 पर है शुरुशी शोंगो। कोलकाता का टॉप मोस्ट फेमस एंड बड़े पूजा है ये।
इस बार यहाँ की थीम है पृथ्वी आबार शांत होवे। बड़े से एरिया को लेकर पंडाल को बनाया गया है। खुद भोलेनाथ यानी महादेव जहाँ कैलाश में रहते हैं वही 3D के माध्यम से वर्चुअल कैलाश को यहाँ पे बनाया गया है। एंड नो डाउट इस पंडाल को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। 3D वर्चुअल कैलाश ऐसा लगेगा जैसे आप सच में कैलाश में आ चुके हैं। तो शुरू शीशों इस बार जरूर विजिट करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कॉलोनी IIT मोह दुर्गा पूजा जहाँ पे मलेशिया के ट्विन टावर को यहाँ पे बनाया गया है। बिल्कुल बुर्ज खलीफा की तरह ट्विन टावर को बनाया गया है। यहाँ पे पंडाल के अंदर और बाहर की लाइट इन लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। हालांकि ये पंडाल कोलकाता से कई किलोमीटर दूर कॉलोनी शहर में बनी है, तो टाइम पॉसिबल हो तो इस पंडाल को अपने बकेट लिस्ट में जरूर रखिए। तो दोस्तों ये तो था कोलकाता की टॉप 10 दुर्गा पूजा की लिस्ट, जिसे इस साल आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन लिस्ट के अलावा भी और भी बहुत ही ज्यादा पंडाल है यहाँ पे, जहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट पर जरूर बताएं। अगर कोई सजेशन हो तो भी कमेंट जरूर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।